यार मतलब जब से जोनाथन की वीडियो डाली है तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई नियो भाई का भी गेम दिखाओ, क्योंकि उन्होंने भी अभी बहुत खतरनाक खतरनाक क्लचेस मारे हैं। मतलब कि अभी PMGC और BGIS में उनका बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो यार क्यों ना इस क्यूट से चेहरे के साथ में हम नियो भाई का भी गेम प्ले देखें। एंड उससे पहले आप लोगों को पता है क्या करना, हाँ जो लाइक वाला बटन है उसको ठोक देना है, सब्सक्राइब वाले बटन को यार मतलब दबा दो यार, थोड़ा रहम करो। एंड नेक्स्ट आप किस प्लेयर के ऊपर देखना चाहते हो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलो अभी देखते नियो भाई का खतरनाक वाला गेम प्ले, लेट्स गो। ओके सो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं जोनाथन, ओके नियो ठीक है। अरे भाई एनिग्मा वर्सेस चल रहा है, एक नॉक निकाल दिया, गन का साउंड नहीं आ रहा पता नहीं कैसे, लेकिन भाई दूसरा भी नॉक निकाला यहां पे नियो ने। जोनाथन भाई भी कम नहीं है, वो भी लगे हुए भाई लपेटे में। देखो एक चीज तो यार मतलब गॉडल की टीम की कि मारती बहुत ज्यादा खतरनाक है, चाहे उनका कोई सा प्लेयर उठा के देख लो भाई वो कहीं ना कहीं किल उठा ही रहा होता है, अब चाहे वो जोनाथन हो या फिर नियो हो। ठीक है अभी हम लोग यहाँ चुके हैं, स्काई स्पोर्ट्स का है ये, ओके ऑलराइट। ओ जोन भाई साहब जोन देखो, सांगवान भाई हमारे यहाँ पे फर्स्ट गेट लगा रहे हैं। समय नहीं है, 2 मिनट का समय बच रखा है, तो या फिर फाइट लीजिए या फिर आप जोन की तरफ बढ़िए। यहाँ पर ये ग्राफिक्स वगैरह क्या हो रखा है, ओके अभी सही से हो गया। जी 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 नियो बहुत पुरानी क्रिप चीज लग रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा इनके नाम देखो कैसे। जो भी है यहाँ पर हम लोग नियो का गेम प्ले देखेंगे। अभी डैमेज दिया है, फर्स्ट गेट लगाई, ग्रेनेड मॉली भी की जा रही है भाई साहब खतरनाक वाली। ऑल राइट यहाँ पे रश किया, ओके एक और प्लेयर है, ओ स्पॉट किया उसको भी नॉक किया, एक प्लेयर ऊपर है, नियो अकेला बचा भाई, फिर से फर्स्ट विकेट। टीम टपाटप, ओके ये तब का मैच है जब जोनाथन ने बनाई थी कोई टीम, टीम टपाटप, ओके समझ गया समझ गया। लेकिन फॉल बैक क्यों लिया जा रहा है, जाना तो पड़ेगा यार। वहाँ पर दो स्पोर्ट्स अगर फाइनली आ चुका है, ग्रैंड फेंका यहाँ पर अभी के लिए कुछ बढ़िया एंटीसिपेटेड नेट्स करते हैं। एक ग्रैंड की पिन खींची नहीं होने, क्या ये एक बढ़िया ग्रैंड हो सकता है, ये जो ग्रेनेड है ये शायद इलेक्ट्रॉनिक बहुत सुहाब, पता नहीं उसको कुछ दिखाओ कि लेकिन हमें कुछ दिखाता, मतलब जो एक्सपेक्टेड कर रहा था भाई खतरनाक था, और मतलब जोन के बाहर चल रही थी ये फाइट पूरी, क्या ही बोल सकते हैं। भाई 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 1v3 क्या गॉड हो क्या यार, भाई साहब 1v3 कर दिया, जाने की गलती की, ये क्या था, शुरू होने से पहले क्लिप खत्म हो गई। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अब चलते हैं अगली क्लिप की तरफ और यहाँ देखते हैं क्या होता है। जंपर यहाँ पर UI साथ ओके टॉय आपको मिल जाएंगे, टीम ये सारी की सारी जो क्लिप्स ना स्क्रिम्स की हो रहे हैं भाई, मतलब वहाँ क्लिच मारे जा रहे हैं भाई, क्या बोल सकते हैं। ओके ये कौन से TS और वर्सेस TSM टीम सीक्रेट, आई थिंक सो ये PMGC का हो सकता है ये फाइट, यस 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 पिछले साल की भाई, देखते हैं यहाँ पर नियो भाई कुछ कर पाएंगे कि नहीं हमारे। अब फाइनली यहां पर शिफ्ट हुआ, बहुत ज्यादा लेट जरूर हुआ, ओके पहली फाइट हुई, डाउन कर दिया जाएगा, जंपर जी गॉड नॉक हो चुका है, तो जी गॉड शायद उतना ज्यादा डैमेज, बहुत ही प्यारा नॉक नियो की तरफ से, मजा ही आ गया। जोनाथन ने यहां पे ग्रेनेड कर दिया, पास में ही हो चुका है ग्रेनेड इसका, लेकिन मेरे को लग रहा है जोनाथन नॉक होने वाला, यस भाई जोनाथन नॉक हो गया, इट्स ऑल आफ्टर नियो नाउ, नियो बचा है, क्लच गॉड बचा है, क्लच गॉड बहुत पीछे है, रिवाइवल देना अपने आप पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है रिवाइव दे रहा है सबसे पहले, जोनाथन को रिवाइव दिया जा रहा है, सामने नॉकआउट पड़े, जंपर यहां पर नॉकआउट पड़े, मैटो एक डिफरेंट एंगल पर, जी गॉड बहुत आगे नॉक पड़ा है, बहुत ऑफ गार्ड एंगल पर है, क्लच गॉड फाइनली आ रहा है, क्लच गॉड नहीं नहीं नहीं, रश कर दिया उसने, डैमेज दिया ने, इसलिए ओपन से रश कर रहा है वो, एक ग्रैंड फेंका, ओके अब बराबर की फाइट है लगभग, ओ मगर भाई क्लच गॉड यहां पर अभी के लिए डाउन हो जाएंगे। जॉनी आई थिंक
नियो 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 कुछ कर। बहुत बढ़िया, एक और नॉक नियो की तरफ से शानदार। डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन हो चुका है टीएसएम एंटिटी नियो का, बैक टू बैक यहां पर नॉकआउट कर रहे हैं टीम सीक्रेट को। ऑलरेडी पिछले मीरामार के मैच के अंदर जो जोनाथन है, ठीक है, अभी एक लास्ट प्लेयर आई थिंक सो टीएस का लास्ट प्लेयर कहां पे है? ओवर कमिटमेंट, लास्ट दो मेरे को नॉक दिखाई दे रहे हैं। ओके दो इधर पे, ये रहे ये रहे ये रहे, दोनों जो प्लेयर्स ने नॉक आउट किए टीएसएम में, नहीं वो टीएस उधर है लास्ट प्लेयर, वो रहा इस वाली फाइट को डीएस जोन की तरफ निकल गया भाई। लेकिन भाई यहां पर जो नियो ने टीम को सपोर्ट दिया है ना, वो बहुत ही प्यारा रहा है। मतलब होता है ना कि ऐसे टाइम पे बस टीम को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, और वो नियो ने करके दिखाया, मजा आया, बहुत ही प्यारी फाइट रही। चलते गाइस नेक्स्ट क्लिप की तरफ, और यहां हम लोग देख रहे हैं ओके ये जब की बात है, टीम टपाटप थी, यहां पर एक नॉक दिया है। ये ग्रेनेड कौन कर रहा है? दो ही जने हैं, तीन जने हैं नियो, ये भाई स्मोक के पार क्या कर रहे हो नियो भाई? एक नॉक हो चुका है, दूसरा नॉक हो गया, दूसरा प्लेयर भी नॉक हो गया। ओ भाई हट हट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, पकड़ लो अंदर। अरे भाई 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 जैसे ना पड़ गाइस, कितना पारिवारिक माहौल है यार। मतलब मेरा डाई, एक और गाड़ी आ गई उसके बंदा गाइस, अगर यहाँ नियो भाई ने इस बंदे को भी पेल दिया ना, सब्सक्राइब वाला बटन नीचे, यस 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 ठोक दो, तरीके से एक प्लेयर बचता है, पूरे काम आ सकते हैं, बट के डाउन हो जाते हैं वहाँ पे। It's down to Manu and Vicious and Neo. Neo अकेला बचा है। Final player बचता है NTT की टीम के लिए, but Vicious आगे मुक्का ना पड़ेगा। 2v2 का fight है। This is down to the air fight. लेकिन वो knock है ना? Revive हो गया क्या? नहीं। अब 1v2 fight है। 1v2 का fight है। Neo wants to take this fight ताकि एक chicken dinner जिसे एक knock निकल जाए तो बराबर की fight हो सकती है। They have done so much of this hard work for this particular thing because यहाँ पर BRDS को blast किया गया, but Neo को पीछे के area को देखना पड़ेगा। वहाँ पर Manu को damage किया। भाई 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 भाई। And NTT. भाई साहब मतलब मेरे को समझ नहीं आया वो प्लेयर क्या कर रहे थे, लेकिन जो नियो ने मारा बहुत ही खतरनाक भाई, एक नंबर भाई साहब। अब जरा देखें थोड़ी सी विकेंडी वाली बर्फ वाली फाइट, नियो ने यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया है गॉडल के एग्जिस्टेंस को। टीएसएम अब यहाँ पे पुश, तब की बात है जब नियो भाई टीएसएम में थे एंटिटी के द्वारा, बिकॉज जोन के अंदर यहाँ पे गॉडल को आना है, यहाँ पे टीएसएम वर्सेस गॉडल क्या बात है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो रही है। क्रॉन्टन गॉट नॉकडाउन ओवर देयर, क्रॉन्टन एक नॉकडाउन करा था नॉकडाउन होने से पहले क्लच गॉड को, दूसरा भी गॉडल को नॉक, नियो ने यहाँ पे नॉकडाउन करा फिनिश कर दिया, सेम लास्ट बचाए गिल, सामने यहाँ पे गिल बचे, बहुत ही बढ़िया भाई, नियो ने पूरा डोमिनेट कर दिया यहाँ पर। पर लेकिन कितनी कमाल की बात है ना, मतलब TSM और Godel है दोनों, मतलब वही टीम हो चुकी है, लेकिन मस्त फाइट रही है। देखिए बहुत ही बात करें शायद एक टेक्नोस को यहां पर किया तो टेक डाउन किया गया, तो सिचुएशन इज अ 3v3 बनाओ भी का चक्कर, बट इसी के बीच आता है ग्रेनेड, टपाटप आ भी लग रहा है। यहां पे बात कीजिए आती पता नहीं चलता कि ये कब कौन सी टीम में चलते हैं भाई, जरूर से थोड़ा सा यहां पे, बट हम लेकिन नियो का गेम देखेंगे यहां पे। देखते हैं किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को संभालेंगे, एमके का इस्तेमाल करा, ओ बात की जाए देखते देखते दो लोग निकाले भाई, टेक डाउन करते हैं MK14 यहां पे बात कर रहे थे, इस गन के अगेंस्ट आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखते देखते 1v3 क्या करेंगे, लेकिन बिल्कुल यहां पे पूरी टीम को अकेले नहीं गया, पे बात की जाए तो फिनिश ऑफ किया गया, नियो लुक लाइक यार मैं बता रहा था ना तुम लोगों को, मतलब चाहे जोनाथन हो चाहे नियो, मतलब हर एक प्लेयर इस टीम को सबसे मतलब बहुत खतरनाक है, अपना पूरा 100% देता है। ये देखते हैं यहाँ पर भाई मेरा मार में आ गया हम लोग, भाई 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 चलती बग्गी से तबीयत खत्म कर दी भाई इनका, तो आर आई पी कर दिया भाई का। नहीं 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 अभी बचाए बचाए बचाए, यस 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 762 एक नॉक और भी एक और, भाई 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 भाई, अरे भाई भाई साहब क्या भाई गाड़ी, चार बंदे चार बंदे, ओके गाड़ लोड है मेरे, बंदा आ गया बंदा आ गया, ओके ये स्क्रिम्स का तो नहीं लग रहा मेरे को क्योंकि इतना बड़ा, ठीक है ये नॉर्मल है, बट लेकिन फिर भी देखते हैं। ओ एक नॉक चले यार, हाथों पे भरोसा मार के और रे तीन नॉक, भाई जो बंदा
प्रिंस में क्लचेस मारता है उसके लिए ये क्या है मतलब कुछ नहीं भाई आम बात है ये जी गॉड की तरफ अगर हम बात अब आ चुके हैं हम लोग फिर से स्किल्स की तरफ देखते हैं यहां पर जी गॉड दिखाया जा रहा है इनको स्प्रे का सामना पड़ेगा करना पड़ेगा संभल नहीं पाएंगे लेकिन भाई ओपन से जा एक साइड ही स्प्रे कर सकते हैं टू साइड स्प्रे करना किसी के लिए यहाँ पे बास की लेकिन क्लच गॉड यहाँ पे ग्रैंड करते हैं और क्या ये एकदम परफेक्ट ग्रैंड जाएगा नहीं नहीं यहाँ पर क्लच गॉड की नॉक हो गया भाई अब बचे हैं नियो अकेला जोनाथन का भी फिनिश हो चुका ऑलरेडी टीएसएम के मैच देखने वाली बात है कि कितना ज्यादा और यहाँ पे टफ टाइम लेंगे एक नॉक बहुत ही प्यारा लेकिन पीछे से कवर आता है वो और भाई यहाँ पे पूरे क्लच को यहाँ पे कर लिया गया वो भी किसके खिलाफ एस पावर को यहाँ पे मैच से बाहर करते हैं नियो डॉट एचपी डॉट लिटरली डॉट एचपी भाई साहब सही है मतलब कुछ भी कहो यार मतलब बहुत खतरनाक गेम है इन लोगों सच में चलते हैं अब इस क्लिप पे देखते हैं क्या होता है चलो पहला ओके टीएसएम के अगेंस्ट ऑलराइट भाई 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 दिल की धड़कने से थम जाती एक सेकंड के लिए लो भाई साहब एक और नॉक निकाला है पर नियो ने नियो को ओपन से आ रहा है मेडिकेट लग पाएगी क्या लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी अगर ही लोगे तो डेफिनेटली यहां से मौका बन सकता है हेड चेस करने का और नियो यहां पर रीलोड किया है बहुत ही प्यारा ग्रेनेड कर रहे हैं टाइम कम है खड़े हो रहे हैं डैमेज मिल रहा है व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग बट नियो इज टेकिंग दैट रिस्क नियो इज टेकिंग हिज चांसेस ग्रेनेड विल बी द वन तो क्रूशियल साबित हो सकता है बट गोल्ड नेट पर एक बार फिर से क्या बैक टू बैक गोल्ड नेट अरे भाई 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 एग्जैक्टली इट हैपेंड क्या सिचुएशन है ये गोल्डन एचपी के नॉक यहां पर निकल कर आते हुए और गोब्लिन अब आखिरी रास्ते पर फिर से क्लच गॉड भी नॉक हो गया नियो अकेला बचा है फिर से जोनाथन फ्रेसिस ऑलरेडी लेकिन ले रहा है अपना काम और नियो आखिरी हंसी हंसते हुए दोनों को रिवाइवल दे देंगे और 1v3 मेरे ख्याल से टीएसएम के नियो ने यहां पर निकाल लिया है क्या फाइट थी लास्ट वाली में भाई 1v3 कर दिया लास्ट में तो ऑल राइट गाइस यार आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है बट लेकिन मज़ा आया कि नहीं भाई लेकिन मतलब ये ना ये मान लो कि जैसे हम बहुत सारा सामान है उसमें से हम क्रीम क्रीम निकाल के हम लोग देख रहे हैं मतलब मज़ा ही आता है यार ये सब देख के एकदम मज़ा क्या बोलूँ तुम लोग एकदम जो फील होती है ना ऐसी आती है काश हम भी ऐसा ही खेलेंगे प्रैक्टिस करने का एक मोटिवेशन सा बढ़ जाता है तो ऑल राइट गाइस अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो पता है ना आपको क्या करना है इस मासूम से चेहरे के लिए यार एक लाइक ठोकना है एंड अगर कोई भी नया है तो सब्सक्राइब करना बाकी आपको नेक्स्ट कौन सा प्लेयर देखना है तो कमेंट में बता सकते हैं अब देखो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बहुत सारे लेकिन जिनका नहीं आ पा रहा धीरे धीरे टाइम आ जाएगा अभी हम उन लोगों के प्लेयर्स को प्रीव्यू बना रहे हैं जिनके नाम ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सबके बनेंगे टेंस मत लो ठीक है तो अभी मैं चलता हूँ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय